दिल्ली के शाहदरा में हुई है। अखिल ने बताया कि बाय प्रोफेशन वो एक डिजिटल मार्केटर है। अखिल ने अभी तक जो स्टडीज की उसमें उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए किया था। डिजिटल मार्केटिंग में हमें ऑनलाइन प्रमोशंस करने होते हैं, अपनी एड्स चलानी होती है, और अखिल शुरू से ही सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। अखिल ने बताया, अक्षय भाई 2023 से पहले मैं एक कंपनी में ज्वाइन कर रहा था, लेकिन 2023 में मुझे एक प्रपोजल आया और कॉलेज बहुत नामी ग्रामी था और हाइक भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अपनी कंपनी में रिजाइन दे दिया और 2023 में उस कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। अखिल ने बताया, अक्षय भाई उस कॉलेज का मैं नक्शा आपको बता देता हूँ, जब मैंने उसे ज्वाइन किया था तो किस तरीके का दिखता था। 8 फ्लोर थे उस कॉलेज के, साउथ दिल्ली का नामी ग्रामी कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पर। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोग डोनेशन दिया करते थे, लेकिन 2023 में जब अखिल ने उस कॉलेज को ज्वाइन किया तो उसके बुरे हाल हो रखे थे। अखिल को पहले पता नहीं था, जब अखिल वहां पर गए उन्होंने बताया कि अक्षय भाई बैचेस बहुत कम थे, स्टूडेंट्स बहुत कम थे। लेकिन जब अखिल ने इस बारे में एचआर से बात की तो एचआर ने बताया, जब वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम थी उन्होंने बताया कि अभी छुट्टियां चल रही है या बच्चे कहीं ना कहीं गए हुए हैं कुछ ना कुछ करिकुलम एक्टिविटीज में वो ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए अभी हमारे एडमिशन नहीं हुए। लेकिन अखिल का मानना था कि इतना नामी ग्रामी कॉलेज जिसका एक टाइम पर नाम हुआ करता था, रिव्यूज आपको बार बार के दिखते थे, आज के टाइम पर वहाँ पर बच्चे क्यों अवेलेबल नहीं है। खैर, अखिल ने अपना पूरा जो है टीम का स्ट्रक्चर बताया कि 8 मंजिल का वो कॉलेज था और सबसे पहले बेसमेंट आता था, फिर ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन था, फर्स्ट फ्लोर पर अखिल की टीम बैठा करती थी जिसमें 5 से 6 लोग थे। एक अखिल थे जो वहाँ पर डिजिटल मार्केटर थे, एक अनुराग थे जो ग्राफिक डिजाइनर थे, एक निखिल भैया थे उनके जो उनसे पहले के वहाँ पे ज्वाइन कर चुके थे, वो वहाँ पर ऑनलाइन प्रमोशन का ही काम किया करते थे, एड्स वगैरह का, और एक तो स्टाफ था जो इंटर्न्स वगैरह थे, एक किसी की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर कंटेंट मार्केटर की जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था। अखिल ने बताया, अक्षय भाई जब मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन किया तो सब कुछ शुरू में बहुत अच्छा था। अखिल ने बताया कि अक्षय भाई कभी कभार हमें प्रिंट आउट्स का काम पड़ता था तो हमें बेसमेंट में जाना पड़ता था और बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और वहीं पर हमारा प्रिंटर रखा था। इसके बाद अखिल ने बताया कि अक्षय भाई जब हम लाइब्रेरी में जाते थे तो वहाँ पर बहुत ही अजीब सी स्पूकी वाइब्स आती थी। हालांकि अब जब एचआर ने बताया कि वहाँ पर छुट्टियां चल रही थी तो कॉलेज खाली रहा करता था और कॉलेज भी बहुत ही ज्यादा स्पूकी वाइब्स दिया करता था। अखिल ने बताया कि अक्षय भाई मुझे एक दिन ना लाइब्रेरी में से कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे, तो वो सीढ़ियों से उतर के आते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं और उस टाइम पर लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था। उन्हें बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंटिटी या कुछ ना कुछ है जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया और वो सीधा प्रिंट आउट लेके ऊपर चलने लगे। उन्होंने बताया कि बेसमेंट के ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था। जब वो ऊपर सीढ़ियों से जा रहे थे तो उन्हें मिरर में ऐसा दिखा जैसे कोई एक लड़की जिसने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो उन्हें देखकर अचानक से हंसती है और भाग के किसी और तरफ चली जाती है। अखिल ने बताया कि अक्षय भाई मुझे लगा मे बी कोई स्टाफ होगा और मेरी मौजूदगी से शायद वो डर गया था, ये सोचा कि सर ने मुझे कोई एक्टिविटी करते देख तो नहीं लिया हंसी मजाक वाली। अखिल ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को बीते एक रात गुजरी, दो रात गुजरी, तीन रात, एक हफ्ते बाद अखिल ने बताया कि अक्षय भाई फिर मुझे दोबारा बेसमेंट में जाना था लाइब्रेरी में प्रिंट आउट निकालने के लिए। अखिल सीढ़ियां उतरते हैं, बेसमेंट में जाते हैं, डरे डरे, पता नहीं ऐसा क्या था बेसमेंट में जो सबको डरा के रखा था। अखिल वापस आ रहे थे, फिर दोबारा ग्राउंड फ्लोर पे जब वो रिसेप्शन से ऊपर जा रहे थे जहाँ मिरर लगा था, उन्हें वही लड़की दिखती है, उसी पोजीशन में खड़ी थी और उसी तरीके से हंस के अखिल को देखकर वो दूसरे कोने में भाग जाती है। आज अखिल के दिमाग में आता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई लड़की एक ही जगह पर मुझे एक हफ्ते बाद दोबारा दिख रही है। अखिल वापस चलना शुरू करते हैं उस लड़की के पीछे पीछे और जब अखिल धीरे धीरे उस लड़की को ढूंढना शुरू करते हैं तो वो लड़की उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जैसे किसी डर के माहौल की शुरुआत हुई थी और उन्हें आगे जाके क्या क्या देखना था इस चीज़ का उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। ये सब देखने के बाद अखिल फटाफट से फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और जो उनके निखिल भैया थे जो पहले से ज्वाइन कर बैठे थे उन्हें बताते हैं कि यार मैंने ना ऐसे ऐसे एक लड़की को देखा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई ना कोई तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। तो जो निखिल भैया साइड में जो उनके कलीग थे वो बहुत ही आराम से उन्हें संतुष्टि दे देते हैं, बोलते कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो निखिल भैया थे उन्होंने कभी अखिल को ये नहीं बताया था कि वो बेसमेंट में आज तक गए नहीं है, ना ही उनका कोई काम ऐसा होता था जिसकी वजह से उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ता हो। इन सारी चीजों के बाद अखिल ने बताया कि अक्षय भाई एक हफ्ता गुजरा था, एक कंटेंट राइटर वहाँ पर हायर होती है जो कि एक लड़की थी, उसकी उम्र अखिल ने बताया कि मुश्किल से 24-25 साल होगी और वो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा सीखना चाहती थी, तो जब भी उसे काम नहीं होता था वो लाइब्रेरी में जाती थी और वहाँ पर घंटों घंटों बुक्स पढ़ा करती थी अपनी कंटेंट राइटिंग की क्वालिटी को और ठीक करने के लिए। लेकिन एक दिन उसके साथ भी ऐसा झटका होगा उसने भी कभी नहीं सोचा था। जब अखिल निखिल अपने कैबिन में काम कर रहे थे दो इंटर्न्स के साथ, अचानक से जो कंटेंट राइटर थी वो ऊपर आती है और अखिल को बोलती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अखिल बाहर आते हैं और थोड़ा आगे जाते हैं तो पूछते हैं उस कंटेंट राइटर से कि तुम्हें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, और वो जो कंटेंट राइटर थी वो बिना सोचे समझे सीधा अखिल के मुंह पर बोल देती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है वो पक्का हॉन्टेड है। और अखिल ने जब ये चीज़ सुनी तो उन्हें अपनी सारी जो हुई चीज़ें थी, वो जो लड़की दिखी थी, वो सब कुछ उन्हें एक सेकंड में याद आ गया। अखिल बिना कुछ सुने सीधा उस कंटेंट राइटर को निखिल भैया के पास लेके जाते हैं और सामने सामने बोलते हैं कि क्या हुआ अब बताओ। तो जो कंटेंट राइटर थी वो बता रही थी कि जब मैं लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है जैसे आगे पीछे कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। फिर उस कंटेंट राइटर ने बताया कि जब वो पढ़ रही थी वहाँ पर, किताबें पढ़ रही थी, चीज़ें देख रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका हाथ अचानक से बहुत ज़्यादा भारी हो गया। कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे हाथ सो गया है, हो जाता है झंझनाहट आ जाती है, तो उन्होंने हाथ उठाया और झटकाया एकदम से। फिर दोबारा जब हाथ रखा तो अचानक से एक हाथ उनके हाथ पर आकर रखा गया। कंटेंट राइटर ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी लड़की या किसी एक स्टूडेंट का हाथ था जो उनके हाथ पर रखा हुआ था। और ये चीज़ सुनने के बाद जो निखिल भैया थे
वो भी बहुत बुरी तरीके से दहल गए थे क्योंकि इस कॉलेज में अभी तक ऐसी चीज उनके सामने नहीं आई थी। लेकिन जो अखिल और कंटेंट राइटर वहाँ पर आई थी, उन्होंने काफी कम टाइम में ये चीजें वहाँ पर एक्सपीरियंस कर ली थी। अखिल ने जो एक चीज बताई थी कि अक्षय भाई वहाँ पर बैचेस तो कितने भी बन ले, लेकिन वहाँ पर स्टूडेंट्स और स्टाफ कभी भी नहीं रुकते थे। मतलब जो लड़के लड़कियाँ वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, जैसे ही वो यहाँ पर पढ़ने आते थे, अचानक से उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता था, घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, इसी वजह से यहाँ बैचेस नहीं बन पाते थे और स्टाफ भी 3 से 4 महीने से ज्यादा रुकता नहीं था। ये तीनों आपस में बैठते और डिसाइड करते कि यहाँ पर हम किसी ऐसे इंसान से पूछते हैं जो सबसे पुराना हो। तो ये तीनों मिलकर एक आईटी वाले मेंबर के पास जाते हैं जो 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, और उनसे पूछते हैं कि भैया हमें ऐसा लगता है जैसे ये कॉलेज जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है। पूरी बात नहीं बताते लेकिन वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट कर देते हैं कि बेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम है लाइब्रेरी में। तो आईटी वाले इनकी सुन के सीधा इनके सामने बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है। और ये चीज़ सुनने के बाद इन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि इन्हें ये सुनने को मिलेगा आईटी वाले से इन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो आईटी वाले ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि 3 से 4 महीने पहले जब उस कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, 2 महीने की छुट्टी होती थी, तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब में कुछ काम करने गया था ये देखने के लिए कि सारे कंप्यूटर चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि जब छुट्टियां खत्म होगी तो बच्चे वापस आएंगे तो कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो आईटी मेंबर जब वहाँ पे काम कर रहे थे, अचानक से उन्हें ऐसे लगा कि उस लैब में लड़का लड़की बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गए थे, उनके दिमाग से ये चीज़ निकल गई कि छुट्टियाँ चल रही हैं। उन्हें लगा कि शायद कोई होगा जो वहाँ पर बैठ के बच्चे मजाक कर रहे होंगे। जब तक उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे अचानक से कोई आके खड़ा हो गया। और उन्हें जब याद आया कि यार कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं, तब तक उनके पीछे कोई एंटिटी थी जो शायद उन्हें नुकसान करने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी। जो आईटी के मेंबर थे उन्होंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू की, बिना पीछे देखे वो सीधा सीढ़ियों से निकले, जो कॉलेज के आगे बगीचा आते हैं वहाँ से निकलते हुए सीधा गेट से निकल के वो अपने घर चले गए। उन्होंने किसी का फोन नहीं उठाया और 2 दिन बाद दोबारा अपने आप को उस कॉलेज में ज्वाइन करवाया ये बोल के कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का सहारा लिया और शायद कुछ ना कुछ कलावा बांधा या फिर कोई ताबीज़ बांधा, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपना काम करते रहे। ये सब जो थे अखिल, निखिल और वो कंटेंट राइटर सुन रहे थे, लेकिन वो इंटर्न्स तक भी इस बात को जाने नहीं देना चाहते थे। फिर भी इन्होंने फैसला लिया कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे हम इस चीज़ का समाधान निकाले, और वो तीनों अपना दिमाग लगाना शुरू करते। शायद ये लोग भूल गए थे कि एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पर जब तक इस लोकेशन का ये पर्दाफाश करते तब तक इनके सामने एक बहुत काला गहरा सच निकल के सामने आने वाला है। उस शाम ये तीनों अपने अपने घर गए और तीनों फोन पर कनेक्टेड रहे और अचानक से बोलने लगे कि क्या हमें नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन तीनों की हालात ऐसे थे कि इन्होंने ज्वाइन किया था, प्रोविजन टाइम चल रहा था, अगर ये अचानक से छोड़ देते तो ये एब्सकॉन्ड हो जाते या फिर शायद उस कॉलेज से इन्हें बहुत बैड कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मिल सकता था। तो इन्होंने डिसाइड करा कि हम कल कॉलेज जब जाएंगे तो और भी किसी पुराने को ढूंढेंगे और उससे पूछेंगे कि यहाँ का सच क्या है। तो ऐसा ही हुआ, जब ये तीनों आते हैं तो अखिल और निखिल कंटेंट राइटर को कैबिन में बैठा के बोलते हैं बेटा इंटर्न्स के साथ आप काम करो, हम अभी आते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर वहाँ पर सबसे ज्यादा जो थी डर रही थी इस चीज़ को लेकर। तो अखिल और निखिल वहाँ पर पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक माली था यहाँ पर जो 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, और वो जो माली था वो ज्यादातर किसी से इंटरेक्शन रखता ही नहीं था। तो जब अखिल और निखिल उस माली के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं तो वो माली बताते हैं कि उनके भी एक सीनियर माली हुआ करते थे जिनके अंडर वो काम सीखा करते थे आज से 4.5 साल पहले। जो माली था उन्होंने बताया कि 4 से 5 साल पहले इस कॉलेज में दिवाली का एक फंक्शन मनाया जा रहा था, सेलिब्रेशन हो रहा था, और दोनों माली जो थे सीनियर जूनियर माली उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कोई भी कॉलेज प्रीमिसेस में नहीं जाना चाहिए जब तक ये सेलिब्रेशन चल रहा है कॉलेज के बागीचे में। तो जो सीनियर माली थे वो जो अभी यहाँ पर एट द सेम टाइम प्रेजेंट नहीं थे, उनका एक्सपीरियंस छोटे माली बता रहे थे। छोटे माली ने देखा कि जो बड़े वाले माली हैं जो उनके सीनियर है वो अचानक से दिवाली सेलिब्रेशन के बीच में एकदम से कॉलेज के अंदर जाना शुरू होते हैं और किसी से बात करने लगते हैं जैसे उन्हें कोई ना कोई कॉलेज के अंदर जाता दिखाए। तो छोटे माली उनके पीछे भागते हैं और बड़े माली ऊपर चल रहे होते हैं, और बड़े माली जो थे वहाँ पर गार्डनर वो किसी को आवाज़ दे रहे थे कि यहाँ पर मत जाओ, क्यों जा रही हो तुम, क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो। पहले वो 6th फ्लोर पर पहुंचे, फिर 7th फ्लोर पर पहुंचे और 8th फ्लोर तक जो थे सीनियर गार्डनर पहुंच गए थे। उन्होंने अचानक से छत का गेट खोला और वो छत के बिल्कुल किनारे आ गए थे, तभी जो जूनियर गार्डनर थे उन्होंने एकदम से उन्हें रोका और बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या हो गया। तो जो सीनियर गार्डनर थे उन्होंने बताया कि यार मैंने किसी लड़की को आते देखा और यहाँ पर आके वो लड़की अचानक से गायब हो गई, और जो जूनियर माली थे वो समझ चुके थे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जो सीनियर गार्डनर थे जो सीनियर माली थे उन्होंने सेम टाइम पर छुट्टी ले ली और वो वहाँ से चले गए। 1-2 घंटे बाद जो जूनियर माली थे जो उनके अंडर काम करते थे उनके पास कॉल आता है सीनियर का, और वो बोलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया कश्मीरी गेट पर, मुझे एक बार लेने आ जाओ, मेरी हालत बहुत खराब है। तो जूनियर माली जो था जूनियर गार्डनर वो सीनियर को लेने निकलते हैं कश्मीरी गेट पे। जब वो वहाँ पहुंचते हैं कॉल करते हैं तो उनका जो सीनियर थे उनका फोन नंबर ऑफ था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, सुनसान पड़ा था कश्मीरी गेट का एरिया जहाँ पर उन्हें बुलाया गया था। ये चीज़ देख के वो बहुत हैरान होते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं क्योंकि उनके घर की कोई भी नॉलेज नहीं थी जो जूनियर गार्डनर थे। वापस आने के बाद 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद कॉलेज में पुलिस आती है पूछने के लिए कि सीनियर गार्डनर का कुछ भी आता पता नहीं चल रहा वो कहाँ है। तो कैमरे में देखा गया कि दिवाली वाले दिन जो सेलिब्रेशन हो रहा था सीनियर गार्डनर निकले और वो अभी तक 4-4.5 साल बाद तक आज तक उनका कोई आता पता नहीं है, वो अभी तक गायब है। हुआ कि अखिल और निखिल ने इस चीज़ को सुन लिया और वो चुपचाप अपने अपने पोजीशन पर वापस आ गए। अखिल ने एक चीज़ को नोटिस किया कि उनके प्रेमिसिस में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी हुई थी दीवार पे। अखिल 2 दिन की छुट्टी पर गए तो जब अखिल वापस आते 2 दिन बाद वो देखते कि यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की जो फोटो लगी थी वो यहाँ पर नहीं है। तो जो रेनोवेशन में काम कर रहे थे 2 बंदे अखिल उनसे पूछते कि यहाँ पर फोटो थी वो कहाँ गई, तो वो लोग बताते कि वो पेंट कर रहे थे उस टाइम पर हनुमान जी की फोटो जमीन पर गिरी और वो टूट गई थी तो वहाँ से हटा दी गई।
और अखिल के दिमाग में बार बार चीजें और ज्यादा गहराई में जा रही थी कि एक के बाद एक चीजें ऐसी जुड़ती जा रही है कि आगे जाके पक्का कोई बहुत बड़ी चीज निकल के आने वाली है जो अभी दिख नहीं रही है। इसके बाद जो वहाँ पर एक अनुराग था जो ग्राफिक डिजाइनर था वो काफी टाइम से छुट्टियों पर चल रहा था और अपनी छुट्टियों के बाद वो वापस ज्वाइन करते हैं इनकी टीम को, डिजिटल मार्केटिंग की टीम को। अनुराग जब वहाँ पे आते हैं तो अखिल, निखिल और कंटेंट राइटर आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि इस लोकेशन पे ऐसा ऐसा चल रहा है। तो जो अनुराग थे उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19-20 साल थी और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने काम को लेकर। काम में जितने ही माहिर थे उतना ही ज्यादा जिद बढ़ने वाले थे। जब अनुराग इस चीज को सुनते हैं कि भाई कॉलेज को हॉन्टेड बनाया जा रहा है या फिर लाइब्रेरी को हॉन्टेड बताया जा रहा है, तो वो सीधा बोलते हैं अनुराग उन तीनों के मुंह पे कि तुम्हें ऐसा लगता है यहाँ पे भूत है, चलो मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में और 10-15 मिनट बैठ के आता हूँ, देखता हूँ क्या है। अनुराग को ये लोग रोकते हैं कि अनुराग ऐसा मत करो, हमें बहुत सारी चीजें फील हो रही हैं। अनुराग जाते हैं 10-15 मिनट बैठ कर वापस आके बोलते हैं कि तुम्हारा भ्रम है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं 15 मिनट बैठ के बुक पढ़ता रहा, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और अनुराग वापस आके अपने कैबिन में काम करने लग गए। जब से अनुराग लाइब्रेरी से वापस आया था अखिल एक चीज नोटिस कर रहा था कि उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ तो चेंज आया है। अनुराग जब वापस आए और अपने कैबिन में बैठे उसके बाद उनका व्यवहार बदल गया और 4-5 दिन बाद वो पर्सनैलिटी पूरी बदल गई अनुराग की। अखिल ने बताया कि अक्षय भाई अनुराग बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा, किसी भी बात पर बहस कर लेता, छोटा था हम भी कुछ नहीं बोलते थे लेकिन उसका व्यवहार बहुत ज्यादा अजीब हो गया। अखिल ने बताया अक्षय भाई ये सारे इंसिडेंट के बाद एक दिन मैं वापस आ रहा था लंच करके, जब सब अपने कैबिन में बैठे हुए थे और मैंने देखा कि अनुराग कुछ ड्राइंग बना रहे और हंसे जा रहे हैं, उस ड्राइंग से कुछ बात कर रहे हैं। तो अखिल इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गए कि यार ये अनुराग किससे बात कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अखिल अंदर जाते हैं और अनुराग को बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, क्या ड्राइंग बना रहे हैं। तो अनुराग एकदम से छटपटा आ जाते हैं और बोलते हैं कि ड्राइंग, कौन सी ड्राइंग। तो वो देखते हैं कि उनके हाथ वहाँ पर कुछ कर रहे थे लेकिन अनुराग को कुछ सेंस में नहीं था। तो अखिल जाते हैं और निखिल को अपने साथ लेके आते हैं कि देखिए ड्राइंग बना रहा था और ये बोल रहे हैं कि मैंने तो बनाई नहीं। तो अखिल वो पूरी ड्राइंग उसके हाथ से लेते हैं अनुराग के और निखिल अनुराग को बोलते हैं कि अब कोई नहीं, तो काम कर ले, हम देख लेंगे, चल कोई नहीं। अखिल और निखिल निकलते हैं और जब वो उस ड्राइंग को देखते हैं जो उन्होंने देखा उस पर वो आज तक बिलीव नहीं कर पाते। अखिल ने बताया कि अक्षय भाई उस ड्राइंग में अनुराग ने पूरे कॉलेज का मैप बना रखा था, एक एक एंट्रेंस से लेके कहाँ रिसेप्शन था, कहाँ लाइब्रेरी थी, सब कुछ एट्स मोड़ तक का पूरा मैप बना रखा था उसे पेज पे। अखिल ने बताया कि उन्होंने देखा कि हर जगह ना डॉट लगे होते, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एक डॉट था, बेसमेंट में एक डॉट बना हुआ था और फर्स्ट फ्लोर जो था उस पर 4-5 डॉट बने थे। तो अखिल ने अपना दिमाग लगाया कि यार ये डॉट क्या है, और अखिल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और गिनना शुरू करा तो एक्चुअली में वो जो डॉट्स थे वो 34 डॉट्स थे जो अलग अलग जगह पे थे। तो अखिल ने निखिल को बोला भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सारे स्टाफ की काउंटिंग डॉट्स के अकॉर्डिंग इसने कर दिया। और निखिल बोला पागल है क्या, मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पर इतना स्टाफ है और इसे एग्जैक्ट पता है। तो ये लोग सीधा गार्ड के पास जाते हैं और गार्ड से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कितने का स्टाफ है। तो गार्ड इनके सामने एक ऐसी स्टेटमेंट रख देते हैं जिसको सुनने के बाद ये बुरी तरीके से बहल जाते हैं। गार्ड इनके सामने एक्चुअली उस डॉट्स की तरीके से रिएक्ट करता है कि रिसेप्शन पे वाली मैम है, और वो जो गार्ड है इनके सामने काउंट करके बोलता है सर 33 जनों का स्टाफ है, और ये पेपर में देखते हैं कि 34वां कौन है। तो 34वां ये देखते हैं लाइब्रेरी में एक डॉट लगा हुआ है, मतलब लाइब्रेरी की एंटिटी शायद अनुराग को दिख गई थी या अनुराग पॉजिटिव हो गया था और उस डॉट को भी उसने 33 में एक प्लस करके काउंट कर दिया था। अब ये गार्ड को तो कुछ नहीं बोलते लेकिन ये बहुत बुरी तरीके से दहल जाते हैं कि अनुराग कहीं चपेट में तो नहीं आ गया, लेकिन आगे अनुराग का क्या होने वाला था, ये सच में बहुत डरावना था। ये सब कुछ चल रहा था। 2 दिन बाद अखिल ने डिजिटल मार्केटर्स की एक मीटिंग रखी जिसमें सबको बुलाया, वहाँ पर सब आए लेकिन अनुराग नहीं आया। मीटिंग ओवर होने के बाद अखिल उसके कैबिन के बाहर से जा रहे थे जब उन्हें ऐसा लगता है कि अनुराग किसी से बैठ के वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अखिल बहुत ज्यादा इस चीज को देखकर दहला जाते कि अकेला बैठकर किससे बात कर रहे हैं, कोने में एक कैबिन ले रखा है जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है लेकिन अनुराग किसी से बात कर रहे हैं। अखिल उनके सामने से निकलते हैं, जोर से एक बार जूता देके मारते हैं ताकि वो अनुराग का टेंशन ग्रैब करें, और ऐसा ही हुआ। अनुराग ने एकदम से देखा और वो बोला अखिल सर आप, तो अखिल बोलते हैं उनसे कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आए। तो वो अजीब सा रिएक्शन देते कौन सी मीटिंग, आपने मुझे बुलाया था। अखिल बोलते हैं कि हाँ मैंने आपको बुलाया था। अनुराग जो था वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं, बोलते हैं कि सॉरी सर शायद मुझे ध्यान नहीं होगा, लेकिन अखिल समझ चुका था कि अनुराग के ऊपर कोई एक एंटिटी है जो बहुत ज्यादा हैवी होती जा रही है। इसके बाद अखिल ने एक डिसीजन लिया कि वो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो सबके कैबिन पे लगाने वाले हैं। अगले दिन वो अपने साथ प्रिंट आउट करवा के बाहर से फ्रेम करवा के 5-6 पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लेके आए और सबके कैबिन पे लगा दिया। उसके बाद अखिल ने बताया कि अक्षय भाई वो लास्ट डे था अनुराग का जिस दिन अनुराग आया था, उसके बाद अनुराग ने सीधा कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, उसने अपनी जॉब छोड़ दी। सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। 1-1.5 महीना गुजर गया जब अखिल ने के लिए डिसाइड किया कि यार अनुराग का हमें पता करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुराग था वो फोन पे पिक नहीं कर रहा था इन दोनों के। तो ये दोनों अनुराग के घर जाते हैं और उनके पापा से बात करते हैं। तो अनुराग के जो पापा थे वो बताते हैं कि अनुराग बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था जब से उस कॉलेज को ज्वाइन किया। रात को वो छत पे जाता था, छत पे रात के 12-2 बजे बैठ के पता नहीं किससे बातें करने लगता, मीठा खाने लगता, कभी दूध पीने लगता मीठा छत पे जाके, और जब घर वाले पूछते तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के जवाब देता था। तो अखिल निखिल के पूछने पे उनके अनुराग के पापा ने बताया कि अनुराग को इलाज के लिए नोएडा भेज दिया, शायद उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अखिल और निखिल कैसे समझाएं कि अनुराग किस चीज़ के चपेट में आ चुका है।
यहाँ पर आके अखिल को ऐसा लगा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अखिल अपने घर पे आके अपनी मम्मी को सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि अखिल को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ भी कुछ अजीब सा हुआ है। अखिल ने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया कि वो एक बॉडी बिल्डर थे और 1 से 2 महीने में उनका 10 किलो वेट गिर गया था और उनकी मम्मी भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। तो वो क्या करती है, अखिल को बोलती है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ में थी, एक गुरु जी को फॉलो करती थी। वो कुछ मंत्र बोलती है और बोलती है कलावा अपने हाथ से मत उतारियो, तेरे को कोई भी एंटिटी होगी छू नहीं पाएगी जब तक तू उसके एरिया में नहीं जाएगा। तो अखिल अपने दिमाग में सोचते कि यार ऐसे कॉलेज में करना ही क्या, जहाँ पर ना तो कोई रुक रहा है और अपनी जान की सलामती के लिए भागना पड़ रहा है। अखिल फाइनली आके रिजाइन डाल देते हैं, इंस्टेंट रिजाइन नहीं करते, लेकिन वो 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करने वाले थे जब तक कि उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरा, रातें बीती, 1 हफ्ता गुजरा। अखिल और निखिल बाहर लंच करने जा रहे थे और जो कंटेंट राइटर थी वो लंच करके वापस आ रही थी। तो अखिल ने बताया कि अक्षय भाई जब हम लंच के लिए जाते थे अपने कॉलेज से बाहर, तो एक बरगद का पेड़ पड़ता था, हम वहाँ से जा रहे थे अखिल और निखिल, तो सामने से कंटेंट राइटर आ रही थी। सुबह से हमारी उससे बात नहीं थी क्योंकि काम का लोड बहुत ज़्यादा था। तो कंटेंट राइटर ने एकदम से हमारी तरफ हाय करा और अचानक से उसने अजीब सी शक्ल बनाई। तो ये लोग अकेले निकले, दोनों खाना खा के जब वापस आए और कंटेंट राइटर से पूछा कि आपने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, तो कंटेंट राइटर ने बताया कि तुम जब पेड़ के आगे निकले तो मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे से कोई परछाई चल के तुम्हारे पीछे जा रही थी। ये सुनने के बाद अखिल बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा रिप्लेसमेंट आएगा और कब मैं इस कॉलेज को छोड़ के जाने वाला हूँ। धीरे धीरे कुछ दिन और बीते और फाइनली एक रिप्लेसमेंट आ गया अखिल का, एक अबू नाम के सर थे जो उत्तराखंड से आए थे। तो अखिल ने बताया कि अक्षय भाई गर्मियों का टाइम था और फर्स्ट फ्लोर का जहाँ डिजिटल मार्केटिंग की टीम बैठती थी वहाँ एसी नहीं चल रहा था, तो मैं तो जाने वाला था। तो अबू सर ने डिसाइड करा कि लाइब्रेरी में ठंडक रहती है तो सबको लाइब्रेरी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अखिल जो था डरता डरता अबू सर को लाइब्रेरी में लेके गया लाइब्रेरी दिखाने के लिए, और जब वो वापस आ रहे थे तो ग्राउंड फ्लोर पे एक टीचर मिल गए जो कि एक फैकल्टी थी। तो इन दोनों से फैकल्टी ने पूछ लिया अबू सर से अखिल से कि आप नीचे से आ रहे हो, आप नीचे क्या करने गए थे। कि अखिल बोलते हैं कि मैं रिजाइन पे हूं, इन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है और ये पूरी टीम को बेसमेंट लेके जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे एसी नहीं चल रहा है। तो जो टीचर थी वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो प्लीज आप जल्दी करो ना थोड़ा, क्योंकि मेरे को तो लाइब्रेरी में सेटिंग मिली हुई है लेकिन मेरे को लाइब्रेरी में अकेले बैठते हुए डर लगता है। तो वहाँ पर अखिल एकदम से चौक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अबू सर ने नया नया ज्वाइन किया है, इनके सामने ये क्यों बोलते हैं मैडम ने। तो अखिल बोलते हैं कि क्या हुआ ऐसा, तो मैडम बोलते हैं कि जब भी मैं नीचे जाती हूँ पढ़ने बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आगे पीछे से कोई गुजर रहा है। जो अबू सर आए थे वो अखिल की तरफ देखते हैं, अखिल एक बार देखते हैं और बोलते हैं चलो सर कोई नहीं मैम को ऐसा लग रहा होगा। तो जो वहाँ पर अबू सर आए थे उन्होंने एक सेकंड ही लिया ये बोलने के लिए कि हाँ उस लाइब्रेरी में एक्चुअली में एक लड़की है। और अखिल ने बताया कि अक्षय भाई मेरा ऐसा रिएक्शन था कि इन्हें ना अभी तक कुछ बताया ना इनके सामने कोई बात छेड़ी और अबू सर ने अचानक से कैसे बोल दिया कि वहाँ पर एक लड़की है। तो जो अबू सर थे उन्होंने एक सेकंड में बोल दिया वो लड़की है और अखिल बोला कि आपको कैसे पता मतलब ऐसा कुछ है। तो अबू बताते हैं कि मैं उत्तराखंड का हूँ और हमें ये थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड होता है कि हमें एंटिटीज ऐसे महसूस हो जाती है। तो जब हम लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे हम लाइट ऑफ कर रहे थे तो मुझे एक लड़की का वहाँ चेहरा दिखा था जिसके लंबे बाल थे और एक फेस दिखा था बहुत ब्लरी सा, तो मैं पक्का कह सकता हूँ यहाँ कोई ना कोई लड़की की एंटिटी है जो लाइब्रेरी में है। अब ये सुनने के बाद अखिल बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा डरा हुआ था और निखिल ने भी ये चीज़ सुन ली थी और वो जो कंटेंट राइटर थे उन्होंने भी ये चीज़ सुन ली थी। कंटेंट राइटर ने तो उसी दिन सब कुछ छोड़ दिया वहाँ से और अपने घर चली गई। तो अखिल अपने घर आते हैं और अपनी मम्मी को बताते हैं कि मम्मी आज ऐसे ऐसे एक सर आए थे उन्होंने सब कुछ बता दिया और आपको पता है अनुराग को पागल घोषित कर दिया उनके घर वालों ने। तो जो अखिल की मम्मी थी वो बोलती है कि चलो कोई नहीं हम गुरुजी से मिलकर आते हैं, गुरुजी से देखते हैं कुछ अगर गुरुजी इसका सॉल्यूशन बताए तो। तो अखिल और उनकी मम्मी जब गुरुजी के पास जाते हैं उनके, तो गुरुजी सामने से बोल देते हैं ज़्यादा पैसे कमा लिए कॉलेज में जाके, कितने ज़्यादा पैसे मिले 15,000-20,000 बेफालतू में पंगे ले लिए ना। तो अखिल हैरान हो जाते हैं कि गुरुजी को किसने बताया। तो गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी आपको कैसे पता। तो गुरुजी बोलते हैं तो शुक्र कर तेरी माँ के कलावे ने बचा लिया तुझे, वरना तेरी छाती पर बैठ के रोज रात खून पी रही थी, 10 किलो गिर गया ना, बहुत बॉडी बनाने का शौक था तुझे, आप देख रहा क्या हाल होते हैं। और अखिल के पैरों तले जमीन खिसक गई ये सुन के कि वो एंटिटी का अगला टारगेट वही थे, क्योंकि अखिल सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी में विजिट करते थे। तो गुरुजी से पूछा जाता है कि गुरुजी क्या करा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि तेरा जो दोस्त था अनुराग उसे भी तो पागल कर दिया, नोएडा भेज दिया ना मामा जी के पास, अच्छा वाला लड़का था, जबरदस्ती पंगे ले लिए, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। तो अखिल बोलते हैं कि गुरुजी कितने सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी उस जगह को अगर हम साफ कर दे। तो गुरुजी बोलते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई सफाई नहीं हो सकती, वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, वो उसका घर है। तो अखिल पूछता है कैसे, तो गुरुजी बताते हैं कि 6 साल पहले वो लड़की बिहार से आई थी यहाँ पर दिल्ली में, उसके ऐसे कुछ लफंगे दोस्त बन गए और वो बहुत पुअर फैमिली से थी, मार्क्स बहुत कम आए, घर वालों को वो फेस नहीं कर पाई, तो उसने अपने आप को उस लाइब्रेरी में खत्म कर लिया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। अब अखिल इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए, तो गुरुजी ने बोला कि तू आज के बाद उस कॉलेज में नहीं जाएगा, छोड़ दे उस कॉलेज और अपने घर बैठ नई नौकरी ढूंढ ले। तो एचआर को जब कॉल कर अखिल ने बताया कि मैं नहीं आ सकता इंस्टेंट रिजाइन दे रहा हूँ, तो एचआर के बहुत ज़्यादा बोलने पर उन्होंने बताई दिया कि मेरे को ऐसे ऐसा लगता है हॉन्टेड है। एचआर ने सामने से बोल दिया कि भाई मैंने आपको खुद नहीं बताया, 1.5 महीने बाद मैं खुद जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को भी जो है कोई ना कोई एंटिटी दिखती है इस कॉलेज में। मतलब लगभग वहाँ पर जितने भी लोग छोड़ के जा रहे थे उस कॉलेज को सबका एक ही रीज़न था कि इस कॉलेज में कुछ ना कुछ है, लेकिन शायद डायरेक्टर ऑनर नहीं मानने को तैयार थे इस चीज़ की, जिसकी वजह से वो बाहर रहते थे और दूसरे जितना भी स्टाफ होता था कॉलेज के स्टूडेंट्स होते थे वो बहुत परेशान होते थे। अखिल का मानना है कि आज भी उस कॉलेज में उस लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई एंटिटी भटक रही है जिसकी वजह से वो कॉलेज अब धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। मैं कॉलेज का नाम नहीं बता सकता लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप वहाँ पे जाओगे नहीं, क्योंकि अब उस कॉलेज में ना तो स्टाफ है ना ही बच्चे हैं। अखिल ने बताया कि मैंने निखिल ने और जो कंटेंट राइटर थी सब ने जॉब छोड़ दिया, अब हम नई जॉब ढूंढ रहे हैं। तो अभी मेरी जब अखिल से इस बारे में कॉल पर बात हुई तो उन्होंने बता दिया कि मैं इंटरव्यू पर गया था और मेरी नई जॉब लग गई है, और उन्होंने खुद ने बोला कि मॉरल ऑफ द स्टोरी भाई यही बोलना कि जब आपको लगे कहीं पर आपको हाइक मिल रहा है, कहीं पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और
उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अखिल ने बताया कि मैं इसी लालच में फंसा था और मैं नहीं चाहूंगा कि आगे आने वाली जनरेशन इस चीज से गुजरे।